नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। गर्मी के मौसम में ठंडा और जूसी वाटरमेलन यानी कि तरबूज खाना किसे पसंद नहीं होता। 90% पानी से भरा हुआ लाल रंग का यह फल हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो इसको सही समय पर और सही तरीके से खाना बेहद जरूरी होता है, नहीं तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी झेलने पड़ सकते हैं। स्टडी में ये साबित हुआ है कि तरबूज को फ्रिज में रखने से उसके पोषक तत्वों में कमी आ जाती है और ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कमरे के तापमान पर रखा तरबूज रेफ्रिजरेट किए गए तरबूज की तुलना में अधिक पोषक तत्व प्रदान करते हैं और तरबूज काटे जाने के बाद भी वो कुछ पोषक तत्वों का उत्पादन जारी रखता है। इसको रेफ्रिजरेट करने से ये पूरी प्रक्रिया धीमी हो जाती है या रुक जाती है। वास्तव में ठंडे तापमान पर एक सप्ताह में सड़ना शुरू कर सकते हैं, जबकि एक तरबूज का सामान्य शेल्फ लाइफ 14 से 21 दिन तक होती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार निष्कर्ष में पाया गया कि तरबूज को कमरे के तापमान में रखें ताकि इसके लाभों का पूरा आनंद उठाया जा सके। इसके अलावा एक्सपर्ट्स की माने तो तरबूज को कभी भी रात के समय में नहीं खाना चाहिए, इसका सेवन हमेशा दिन में करना चाहिए। साथ ही इसको खाने के बाद पानी, दूध, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।